What's up everybody, Ashwin Shah and I'm back with another video. तो भाई जैसा कि मेरा लास्ट वीडियो था अबाउट सुपर बाइक्स एंड ऑल, तो आज के वीडियो में क्या होने वाला, थोड़ा डिफरेंट होने वाला। आपने स्टार्टिंग में थोड़ी झलकियाँ देख ली होगी, बाकी मैं अपने थंबनेल के अंदर और टाइटल के अंदर देख लिया होगा कि ऊपर आज पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है और मैं आपको हल्की सी झलक दिखाता हूँ। तो भाई बाइक देख के आप समझ गए होगी कि मैं आज कहाँ पे आया हूँ। तो आज हम आए हैं, क्या हाल है भाई, इंदर भाई के पास। ईद का चांद हमारे घर आया आज, बहुत टाइम पहले आया था यार, मिलने आए थे, बिजी तो क्या ही भाई, किसको पता क्या सीन है। छोटी सी बाइक, और कुछ टाइम पहले ये बाइक पे हम घूमे करते थे, थी किराए की, अब अपनी हो गई है भाई, तब भी इतने टाइम बाद देखी। मतलब इस पर्टिकुलर बाइक पे वीडियो बनाना था, नाम छपवा लिया हमने अपने, इस बाइक पे वीडियो ही नहीं बना पाए। कोई नहीं, लाएंगे। अगर वीडियो चाहते हो कमेंट में जरूर बताओ। पर आज जो कंसेप्ट है वो इस बाइक पे नहीं होने वाला है, वो इस बाइक से अलग होने वाला है। ये बाइक भाई की है पर आज भाई के कमरे के ऊपर वीडियो होने वाला है। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ जो भी वीडियो देख रहे हैं गाइस, तो पहले वीडियो दिखा दूंगा कैसा था पहले। हाँ। या थोड़ी देर बाद यार, सबका ना ड्रीम होता है, जैसे हम भाई वीडियो बनाता, मैं बनाता हूँ, हमारा एक ना स्टूडियो अपना पर्सनलाइज रूम हो जिसमें हम अपने यूट्यूब की वीडियो वैसे भी कुछ बना पाए, शूट करें। तो मैंने समझ लो भाई की कहते हैं ना ब्लेसिंग के ऊपर, या तो उसकी ब्लेसिंग की वजह से मेहनत की वजह से मैंने एक ड्रीम फुलफिल कर लिया, छोटा ड्रीम कि मैंने अपना स्टूडियो बनाया। तो भाई को देखने के लिए बुलाया कि भाई आई एम सो ग्रेटफुल यार कि हमने बुलाया, मतलब शांति से फोन करके हाँ भाई आओ देखो, और बहुत ही यूनिक स्टूडियो है। तो एक काम करते हैं, आपको दिखाता हूँ कि पहले रूम कैसा था, ठीक है भाई। अभी आप फोन में दिखा रहे भाई, पहले स्टूडियो कुछ ऐसे था, ये एंट्री है। सो भाई देख सकते हो आप, एकदम रॉ, मतलब अभी कुछ भी काम नहीं हो रखा था एकदम। ये भाई डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे ना? ना ना ना, तो भी बुलाया ठीक है। हाँ ठीक, दिस इज द रूम। तो भाई अब चले जरा अंदर, पक्का चले हैं, थोड़ा रूम देख लिया ना, बिफोर क्या था, आफ्टर दिखाऊंगा और अपना जेन्युइन रिएक्शन दियो कि कैसा लग रहा है। भाई अंदर गोप्रो रख दो, अभी अभी मैं कसम से बता रहा हूँ भाई, मैं घुसा ही नहीं हूँ अभी तक अंदर। मैं भाई तेरे लिए लेंस लेके आया जैसे को और भाई लोकेश भाई भी अपने साथ, क्या हाल है भाई? बस बहुत बढ़िया। कैसी है मिस्टर भाई, व्लॉग्स की फैमिली भाई? भाई बढ़िया, एकदम बढ़िया। मैंने आपको बिफोर तो दिखा दिया कि रूम कैसा लग रहा था, बाकी यार ये भी भाई इसकी आवाज भी सुनेंगे। घुसते ही मतलब कोई मोटिवेशन, गॉड कीप गोइंग, एवरीथिंग यू नीड विल कम टू यू एट द परफेक्ट टाइम। सो भाई का चैनल है सिंपली वेलकम टू माय स्टूडियो। चलिए सर आइए। बिल्कुल रेडी भाई, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। खोलो भाई खोलो। नो देयर एंड नो स्टॉपिंग अस, ब्लाइंड विदाउट बोर्डिंग पास, कैडन्ट कैच मी आई बी मूविंग फास्ट, कॉल मी अ शूटिंग स्टार, लेट देम नो यू आर फ्लाइंग अप इन अ प्रॉप। हाँ जी भाई, लाइटिंग भाई, लाइटिंग सब ठीक है, ये कहां से बनाया भाई, इतना मिस लग रहा है। जो हाइप जो मैंने हाइप क्रिएट करी थी भाई, हाइप तो जो भी क्रिएट करी थी वो तो बहुत अलग थी, पर जो अंदर घुसने का ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो पता है क्या, पहले मैं सोच रहा था कि आपने कुछ भरना नहीं होगा, पर सबसे अच्छी बात ये करी कि पूरा कमरा भरा हुआ है। ये आपके हेलमेट था ना, हेलमेट रखने के लिए, जैकेट के लिए। राइडर लोग इसलिए कौन सा लेके जाते हो? मैं सेकंड वाला, ये बीच वाला। हां गाइस आपने बाइक देखी, बाइक से एकदम मैचिंग हेलमेट है। तो इसकी बात कर रहा था भाई, मैं बता जाता हूं, आजकल ना नियॉन का ट्रेंड चल रहा है, और मैंने जब ऑनलाइन पता करा ना, हां सेंटीमीटर कितने का बन रहा है, अरे महंगा बनता है काफी, कोई 6000 बोलना भी 7-8। तो मेरे को इंटरेस्ट है कि मेरे एक फ्रेंड है, उसका ना वो ये काम करता है ऐसे लाइटिंग पीछे वाले, इसका नाम जो मेरे बहुत खास फ्रेंड है, तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा क्यों ना हम शुरू करें दोनों काम मिलके। ये तो मैंने आपने खुद बनवा दिया क्या? हाँ ये खुद शुरुआत करे मैंने, ये मेरा फर्स्ट मतलब खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ये मेरा फर्स्ट है न्यू लाइटिंग का। अच्छा आपने जो खुद मैन्युफैक्चर करा, आपने पहला अपने पहला अपने ले करा है, अब इसकी मैं एक इंस्टा पेज बनाऊंगा और देन आई विल सबमिट। फिर भी क्या अमाउंट पड़ा एक? यस जो मेरे को पड़ी है 4200 का पड़ेगी। अच्छा मतलब मार्केट से कम पे दोगे? मेन चीज देखो इसके अंदर चार अलग अलग कलर्स हैं, तो एट द टाइम ऑफ फोटोशूट अगर हमें फोटोशूट करना है यहाँ पे, कितना ज्यादा एलुमिनाटी लग रहा है वो मुझे। टाइप का ये कुछ गड़बड़ नहीं,
बाकी यार आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कुर्सियां, यहाँ पे हम शांति से बैठता है। मेन चीज पता क्या है, आपने इसको पूरा व्हाइट रखा है और वुडन नीचे नीचे वुडन है, और ब्लॉक करते टाइम तो व्हाइट सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, सबसे अच्छी लाइटिंग देगा। वैसे भी आपकी वीडियो में हमेशा से लाइटिंग अच्छी रही है, फिर भी थोड़ा और अपग्रेडमेंट आ गए। और जो जैसे हम सारे बाइक लवर्स हैं, ठीक है, तो जैकेट के लिए मैं यहाँ पर आऊंगा। और अभी तो मेरे पास दो हेलमेट है, दो अभी अगर कल को भगवान ही दया रही पांच छह हेलमेट होंगे। ये बहुत सेक्सी लग रहा है, नो डाउट। किसी को चाहिए, 1000 रुपए का बेच रहा है। अर्जुन भाई मजाक अच्छा कर लेता है भाई। ये कैनन 77D है, ये एक कैनन की सेमी प्रोफेशनल लेंस होता है, सॉरी कैमरा। मैं लेंस नया लेके आया हूँ, ये टैमरॉन का लेंस है, वाइड एंगल प्रोफेशनल। ये टोकिना का लेंस है, इसका अपर्चर है 2.8 वाइड एंगल, ताकि ये ना लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करे। तो मेरा 99% यूज होता है, क्यों, मैं पहाड़ों का मैं क्लाइम कर रहा हूँ, जेब से निकालना व्लॉग करना रख दिया। जब मेरे पास टाइम है स्टूडियो में व्लॉग करना है या सिनेमैटिक करना बाइक में, तो ये काम आता है। पर भाई जब अगर आप ये ले लोगे ना, लाइफ सॉर्टेड होती है। सही बात है, अगर आपको व्लॉग करना है तो आप एक GoPro ले लो। इतना की बात सबसे अच्छी है कि पूरा नीट एंड क्लीन सेटअप है यार, भाई भी अलग आएगी। पता आपको ना एक प्राइवेसी चाहिए, अगर आपको नए नए थॉट्स सोचने हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है, शांति है। एंड एग्जैक्टली जो इंदर भाई ने बात करी थी ना, मतलब डोर के बाहर ही की, मतलब पॉजिटिविटी चाहिए, पॉजिटिविटी बहुत है रूम में, मतलब अलग ही मजा आएगा एडिटिंग करने में, अलग ही मजा आएगा। तो अलग बात है, यहाँ पे जब बैठ के दो मिनट सोचो मैंने कि भाई कल क्या बनाना है, तो वो ऑलमोस्ट 5-10 मिनट में मेरे को ख्याल आ जाएगा। एकदम सेपरेट रूम है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है, और एक कहते हैं वाइट वैसे पीस वाला होता है, तो एकदम शांति है यहाँ पे, आराम से काम कर सकते हो। और यार इतनी गर्मी हो रही है बाहर, पर यहाँ पे गर्मी नहीं है, यहाँ ठंडा होता है। एसी भी बंद है जबकि एकदम ठंडा, भाई गर्मी तो लगेगी ना। नहीं नहीं चले गए थे अभी, यहाँ पे शेल्स है, उसके अंदर सामान है, GoPro वोप्रो का काफी सारी चीजें है। तो बाकी गाइस आपको कैसा लगा सेटअप कमेंट में जरूर बताना, बताना चैनल है, सिंपली इधर जाके स्पैम कर दो यार कमेंट में। जो मेन हाईलाइट थी कमरे की, मतलब हाईलाइट तो हर चीज है भाई, पर मेन जो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा ना, वो था ये जो लोगो लगाया आपने भाई। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, एक यूट्यूब का भी बना के जाओ, वो और बढ़िया लगेगा भाई एक साइड में, क्योंकि वो तो जान है यार अपनी, यूट्यूब का भी होना चाहिए। लाइटिंग नेक्स्ट लेवल थी भाई, अगर आपको भी ऐसी लाइटिंग चाहिए तो भाई अपने चैनल पे एकदम डिटेल में बताया, आप तो डिटेल में बताओगे तो यार वीडियो जरूर जाके देखो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आई बटन में भी आ रहा होगा, और भाई का भी चैनल है with Lokesh bhai and Simplinder. We are signing over today. Till then, bye-bye.